अरे ये तो तुम्हारे साथ अच्छा मीम बनेगा ना, तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी मंसूर इन अमेरिका, ओरिजिनल वीडियो की क्वालिटी मंसूर इन सऊदी। ये अच्छा आइडिया है वीडियो का, ले लेना जो भी देख रहा है। ब्रॉक लेसनर एंड क्राउन जूल, ब्रॉक लेसनर वन डे आफ्टर एंड स्मैकडाउन, भाई क्या फोड़ा था वो, ये वैसे 2015 वाला याद आ गया था, ब्रॉक लेसनर वो जो, हाँ वो क्या हुआ था वो सेथ रॉलिंस सेथ, हाँ तब भी सस्पेंड हुआ था ब्रॉक, अब भी हो गया। लेकिन सेम। ब्रॉक एक्चुअल में ऐसा ही है जैसा नीचे वाले में दिखाया, वो ऊपर हाँ वाला था पता नहीं क्या ही हुआ था क्राउन जूल में। भाई, तो लास्ट ईयर जो हुआ था उनके साथ, लास्ट टू लास्ट ईयर जो हुआ था कि सऊदी अरेबिया में रोक लिया था, तो उसके बाद तो कोई भी वैसा बिहेव करेगा यार उधर। हाँ ओके 2014, ओ पासिंग द टॉर्च। यस, बट हु लेकिन शुड, ब्रॉक लेसनर ने, नहीं करिए पास, मैं ये नहीं कहूंगा उसने यार टॉर्च हंड्रेड घुसा दी है उसके पीछे। इनको लग रहा है पास करिए, अभी भाई ये खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है बाकी है। इस हाँ क्राउन अभी ज्वेल को तुम देखो कभी क्या एंड होता है। होना भी नहीं चाहिए, हमेशा कोई वैसा पेपर भी कोई एंड होना चाहिए। ये मेरा फेवरेट है, मतलब ये वाला फेवरेट है, देखा मैं कहां से देखूंगा। हाँ भाई एक और चांस है तो पक्का तुमने? यूनिवर्सल चैंपियन। पुअर फिन, बट यार हम हंस तो रहे लेकिन बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है यार ये फिन बैलर के लिए। एक तो बंदा पहले यूनिवर्सल चैंपियन है, उसके बाद उसको वो देनी पड़ गई, और फिर मौके मिले तो वो ऐसा टाइम पे मिले जब हमें पता था कि क्या ही जीतेगा क्या ये है। बंदा। हाँ वैसे ऐसा सेम रिएक्शन मेरे साथ होता है हर बार वीडियो डालने से पहले, बस एक बार और वीडियो डालो पक्का 100 के होंगे, पक्का नहीं होता। लेकिन क्राउन ज्वेल मैच कर देखने के बाद, मतलब मैं बोलूँ जिस हिसाब से पहले मुझे मैचेस लगे तो मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा होगा, बट हाँ क्राउन जूल देखने के बाद मैंने ये जरूर कहा क्या क्राउन जूल है यार। मेरा दोनों तरफ ही था, मतलब मेरे को तो ये अली और मंसूर की भी स्टोरी लाइन अच्छी लग रही थी फॉर द फर्स्ट नहीं टाइम। अरे वो ऐसा होता है ना सऊदी के पेपर व्यू में, कितना ही बढ़िया कार्ड हो जाए जब तक हाँ पेपर व्यू हो के निकल के तुम्हारे सामने हाँ फाइनल आउटकम तब ना तक आ कुछ नहीं जाए। कर सकते। लेकिन हाँ फिर भी कहीं ना कहीं शिट तो हो गया था रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच में, स्टिल मैं ये कहूंगा लास्ट में हाँ जो हुआ एंडिंग था। वाली मतलब वैसी थी कि आप स्मैकडाउन में भी ऐसी एंडिंग देख सकते हो, कुछ ऐसी थी हाँ बोरिंग। हाँ कुछ कुछ पेपर भी जैसे नहीं थी। ये भी अच्छा एक्टर्स था। प्रिपेयरिंग फॉर सेथ रॉलिंस बायोपिक। कपिल नहीं लगे? हाँ अबे कपिल देव का वो वाला ऐड नहीं है क्रेड का, इतने अलग अलग ओ दोस्तों किए हुए हैं उसमें। नाइस, इट्स फनी बिकॉज कपिल देव के टाइम पे कभी कपिल ऐसे रंगीले कलर नहीं थे। नहीं दिया भाई, यहाँ जो भी बायोपिक करेगा सेथ की उसको इतने तो अपने कपड़े का कलेक्शन और इतनी अतरंगी कपड़े तो पहनने पड़ेंगे। हमारे इंडिया से रणवीर सिंह हो सकते हैं फॉर सेथ रॉलिंस एंड बिग शो, मतलब बिग शो ने भी अवतार बदले हैं बट मेंटली नहीं तो। मी ट्राइंग टू रिमेम्बर व्हाट्स द मेन पेपर व्यू ऑफ AEW। अरे भाई इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है, तुम डबल और नथिंग देखा करो, तुम फुल गियर देखा करो और बस ये इस है वीडियो को हम हमारा। यहाँ पे काट देंगे, हम AEW को प्रमोट नहीं करते किसी भी शेप और फॉर्म में। क्या बोल रहा था हेड ऑफ द डबल, अरे यार यार ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर लिया हुआ अरे ये यार। मैंने, मतलब मैंने भी देखा हुआ है पर बार बार देखता हूँ हंसी आती है, बिकॉज नोटिस कर, मतलब यार नोटिस करा है बंदे ने, सोच रहे हो ले रख दिया तेरी हेड पे टेबल, तो तेरी रेड पे पैर। हेड पे अच्छा अभी टेबल। अभी अभी अब यहाँ से ये वो पुराने मीम ही आएंगे क्या? अगर ऐसा आएंगे तो ये तो सारे मैंने देखे हुए होंगे। ये ब्रायन डैनियलसन या डैनियल ब्रायन हमारे, अबे ये रियल में कोई बंदा है क्या? चार्ल्स बर्नस्टेन, ये चार्ल्स बर्नस्टेन है, एक मिनट मैं सर्च करता हूँ इसकी वो वाली। ओ व्हाट द भाई लो जिसको डैनियल ब्रायन देखने हैं आज से कुछ साल बाद के तुम्हारे सामने आ गए और भाई, बिना बिना फेस ऐप फेस के। ऐप के। ओ भाई, इसको इसको देना बनता है भाई, लव प्यार ले लो भाई। एविल विंस मैन बी लाइक डोंट रिलीज हिम, समझे? एविल विंस मैन बी लाइक, नहीं क्या मतलब? अरे मतलब वो रियलिटी में इतना ईविल है कि जो उसका ईविल वर्जन होगा वो अच्छे काम कर रहा है, मतलब जो उसकी रियलिटी है वो तो रिलीज कर रहा है, लेकिन जो उसका ईविल वर्जन होगा दूसरी दुनिया में वो कह रहा है नहीं मत रिलीज करो, कि वो असलियत अच्छा में इतना बुरा है। अच्छा मेरा साबुन स्लो हो गया यहाँ थोड़ा, बट यहाँ नाइस पे लिखा है ना पुश रिकोशे, वो कुछ कुछ। हाँ इतना फ्लेक्सिबल है उसको पुश करो कहीं और ही निकल लेता है। टोनी खान टोनी आफ्टर सेइंग खान आफ्टर रैम्पेज सेइंग विल बीट रैम्पेज टू स्मैकडाउन, बीट स्मैकडाउन। ओके लेट्स सी 18+ जाता है या नहीं। मुझे आवाज नहीं आई इसकी। अरे तुम्हें आवाज नहीं आ रही? कह रहा मेरा डोला नहीं आया डोला, मेरा रेटिंग ना आया रेटिंग। भाई ऐसा होता टोनी खान यार बहुत ज्यादा बोलता है भाई, यार। ये गाना लगने के बाद मेरे पे क्लेम आया, क्लेम लगने के बाद मैं बोलूंगा मेरा पैसा ना आया नहीं आया पैसा। पैसा।
क्राउन जूल सिनेरियो, बाप का, दादा का, भाई का, सबका। अब लेकिन लिया कैसर को भी उधर आ जाना चाहिए, अब कोई आएगा इधर, अब कोई आएगा इधर। ये थोड़ी हमारी आउटडेटेड हो गया भाई, बट इट स्टिल मेक सेंस। ओ ओ इट्स यू, ये मैं कैसे पहुंच गया पहले ऊपर पड़ते हैं। अब मैंने यही पहना है भाई इस समय, नाइस, चेन्नई सुपर किंग फैन। टोनी ये क्या चीज है, क्या लिखा है, रिच और सुनियो फ्रॉम डोरेमोन। इनकी पता नहीं कुछ अलग ही तरीके की बातें कर रहे हैं अभी, आपको पता नहीं है स्मैकडाउन को लेकर याद नहीं है। नहीं नहीं, अरे तुमने टोनी खान के बारे में कुछ बताया होगा ना, तो फिर उसके लिए लिखा है कि टोनी खान कुछ हरकतें कर रहा होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई से ज्यादा पैसे हैं भाई, अब मैं लगा दूंगा तेरे को क्लियर। हां वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से ज्यादा। मेरी वीडियो कैसे लगा दी तूने मेरे से बिना पूछे, नाइस, बट यू आर हियर तो नहीं लगा सकते, तुम्हें खुद को पैसा देना पड़ेगा कोर्ट में। देन नाउ, अच्छा ये वाला लुक देखा था तुमने मिस का, जो ये बना हुआ था। हाँ, तो वो कहाँ से आएगा भाई, मेकअप ही वो जो किया हुआ है सब, पुताई वुताई कर भी है इतनी धांसू करी हुई। हालांकि उल्टा है, द मिज ने चिराग घिसा तब जाके मरीज निकली, तो वो असली जेन है। जॉनी भैया का ड्रीम मैच विद द मैन, इट्स योर्स। उसको लगा कि वो असली वाला जॉनी है, तो उसने उधर ठोक दिया, तो वो नकली वाला निकला। Watch WWE show on TV. Watch WWE show on YouTube. अच्छा भाई, अगर आप हमारी वीडियो देख के कह रहे हो तो हम आपके साथ इसमें वो करते हैं, ठीक है, चलो आप हमारी वीडियो देखें। हाँ, लेकिन अगर आप वैसे कह रहे हो तो गलत है। अरे पर ऐसा मतलब फर्क नहीं पड़ता ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम WWE को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी रेटिंग तो काउंट होती नहीं है, बाहर में जाओ हम तो कहीं भी देखेंगे। ड्राफ्टेड टू रॉ, ड्राफ्टेड टू स्मैकडाउन, लगता है कुछ लगता है कि कुछ कराया नहीं है पर कराया है, मतलब जब ड्राफ्ट हो गया ना तो उसके बाद लोगों को लग रहा है कि कुछ कराया नहीं है पर कराया है। हाँ, तो एक्चुअल में इस बार ड्राफ्ट ने तो किया ही है यार बहुत कुछ, इस बार मैं ड्राफ्ट को ऐसे नहीं कहूंगा कि कुछ भी हो गया। हाँ, ओपिनियन है ना, क्या पता उसका फेवरेट ओटिस रॉ में नहीं गया शायद इसीलिए। ओटिस पता नहीं, हु केयर्स अबाउट ओटिस भाई, ओटिस का बहुत बड़ा फैन क्लब है, मतलब उनको ट्रिगर करने के लिए हु केयर्स अबाउट ओटिस लिख दो भाई, कमेंट बढ़ जाएंगे। In India, Roman Reigns fan, also Roman Reigns fans, but in red. No. Also Roman Reigns fans, but in T-shirt. In T-shirt. Bloodline. Bloodline T-shirt. क्या बोला था तूने WWE पहले जैसे इंटरेस्टिंग नहीं। हाँ ये तो है भाई, SmackDown ही थोड़ा बहुत चला, but हाँ ये तो अभी भी कहेंगे WWE पहले जैसी नहीं रही। वो तो भाई जो पुराने WWE की फैंस है वो कहते रहेंगे हमेशा कहेंगे। और भाई जो तुम जो 2020 या 21 में देखना शुरू कर रहा है ना, आज से चार साल बाद वो कहेगा कि 2020 या 21 में जैसी WWE होती थी हमारे जमाने की WWE, वो हर कोई बंदा बोलेगा। क्योंकि मैंने जब से स्टार्ट को भी देखा है जो 1980s में देखते थे और बोलते हैं कि 1990s की वो बात नहीं रही, पर एट द सेम टाइम 1990s को लोग बोलते हैं कि सबसे गोल्डन एरा था, तो ये तो होता ही रहेगा। दिस इज बेबी केन बिफोर द अंडरटेकर बर्नड हिज फेस। ये कौन है? अरे वो बता रखा है कि मेरे को लगा ये वो है जो उसमें था ना खिलौना बना खलनायक में। भाई बॉलीवुड मूवी के रेफरेंस कम हो तो सही है। गिव मी व्हाट आई वांट, अरे भाई ये तुम्हारा ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा एलन भाई, जो भी हो तुम बहन हो भाई, भाई होगा एलन तो नहीं हो सकता। ये तो विदेश का है भाई कोई, तभी ऐसे फालतू के सपने, ये क्या सपना है? हम तो ये बोलेंगे, हमारे इंडिया में तो बोलेंगे शील्ड ले आओ भाई, शील्ड का भाई भी भाई शील्ड कब आएगी? अभी हम बस फोन करने ही वाले थे उनको पूछने के लिए कब आएगी। बस ये WCW को देख के याद आया, अभी उसका देखा था, एरिक बिशॉफ ने कहा था कि मैं आज ही अगर कंपनी खड़ी कर दूं दोबारा से WCW, तो फिर मैं तब भी टोनी खान से ज्यादा व्यूअर्स ला सकता हूं। व्हेन यू ऑर्डर अंडरटेक, व्हेन यू ऑर्डर अंडरटेकर फ्रॉम wish.com क्या है ये नहीं पता, लेकिन इसको मैं ऐसे जरूर कह सकता हूं कि मंगाया माल कुछ और, मंगाया और आया कुछ और। wish.com का इंडियन वर्जन naptol.com, सुबह सुबह 6 बजे जो देखता है, मेरे को टाइमिंग क्यों पता है पता नहीं, मैं नहीं देखता यार। नहीं वो सीक्रेटली यहाँ पर पता चल गया है, वो गलत हो गया यार। ये वीडियो तो पक्का चलाने वाला चेतन, उससे रहा नहीं जाएगा, ये मुझे पता है। ये 2019 वाला चेतन नहीं है ना, तो ये इग्नोर भी कर सकता है। अच्छा, और मैं यहाँ पे कमेंट्स लिख दूंगा। हाँ, सख्ती बरकरार है। TBS TNT, अरे ये तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुमने AEW फॉलो करी है। TBS चैंपियनशिप भी आ गया, नई चैंपियनशिप है। हाँ तो ये सेम क्यों? हाँ तो उन्होंने सेम ही बना दिया, तो वो मीम बात चिपका दिया वहाँ, अरे सेम सेम। ये इन्होंने तब नहीं कहा जब AEW बिल्कुल सेम कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है एज WWE। ये वाला अच्छा, ये वाला देखा पहले बताओ, इसके नीचे कुछ है?
ना लेट्स सी यू विल लाफ और नॉट ओके अबे ये क्या दिखा दिया काचू पकड़ लिया गाइस हमने रोहित पंत को रोहित पंत एक्सपोज मैंने कुछ नहीं देखा यहाँ पे भाई इस बंदे ने बिल्ड किस तरीके से किया ये देखो पहले ऊपर का दिखा रहा है ये तुमने किया क्या है मैंने तो सीधा फोटो दिखा रहा है अभी हम यहाँ पे वाली क्लिप चलाने वाले स्टार्टिंग वाले जो इन्होंने कहा था ना कि सोच का नजरिया भाई वो तो जैसी जिसकी सोच हाँ, हाँ, क्या बोलो भाई अब मैं आई हैव नो वर्ड्स हो गया जो होना तो हो गया हाँ हो गया कैच हो गई यहाँ पे कामरान अकमल होता तो एक तो गायब था भाई ये अच्छा है देखना है गो फॉर द वर्ल्ड टाइटल चैलेंज फॉर मिडगार्ड Go for good long good changing brand. भाई ये मैंने देखा सच सही में वो बंदा ड्राफ्ट होता है हर बार यार भाई कैमरा में तुम्हारा काम यही है इनको इसी में मजा आता है नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए हमें बस ब्रांड बदल के दो हर साल तो एक बार फिर चलेगी वो वाली क्लिप भाई वो तो जैसी जिसकी सोच भाई मैंने तो कुछ किया नहीं मैं तो हंसा हूँ सिर्फ हाँ अच्छा मीम है वही तो मैं कह रहा हूँ भाई ये बेस्ट नहीं ये बेकार था सबसे नहीं 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 अच्छा था यार मतलब ये बेकार की लिस्ट में सबसे बेस्ट था भाई उसके रिएक्शन ये तूने किया ना इन असाइनमेंट चल यार कॉपी पेस्ट देख किसको शक क्या ही होगा अरे भाई कॉपी किया बट हाँ ये सही है हम कॉपी करते लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस करके ये बाबर आजम है क्या हाँ और वो भी 30 सितंबर को है ओ भाई भाई उस समय तो जीता ही था वो एक दो हफ्ते ही हुए होंगे कितने अच्छा ओमोस का नाम पता है तुम्हें असली ओ बोमिंग या पता नहीं क्या है ऐसा पता नहीं अजीब सा कुछ भाई बहुत एपिक है यार मतलब मजा आया था देख के केनी वुड नेवर शो अप इन एनी काइंड ऑफ WWE प्रोग्रामिंग मीनवाइल बैक इन पास्ट पास्ट में तो बहुत कुछ होता रहता है यहां पर रोहित पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए नहीं अरे वो उस समय वो नहीं होता था टीवी पे एक मूवी चल रही होती थी घर में सारे बैठ के देख रहे होते थे पुरानी मूवी है इसलिए तब की देखी हुई याद है अभी का कुछ नहीं है सीन गाइस इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आज के जमाने में कोई भी साथ नहीं बैठता तो प्लीज जाइए और अपने घर वालों के साथ टाइम बिताइए देखा शिक्षा भी देते हैं हम अपने चैनल अब मेरे घर पे मूवीज ही चलती हैं सीएम पंक ओवे यार इंडियन गैंगस्टर मदरफकर शायद हम दोबारा से करेंगे तो इसलिए मीम्स डालते रहना हम चाहते हैं कि आप लोग अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट करें तो नहीं मजा ताकि हम ऐसे ताकि हम ऐसे टाइम वेस्ट वीडियो आपके लिए और बनाएं मतलब इससे ज्यादा तो टाइम वेस्ट और क्या होगा यार हाँ तो पहला वाला मीम आर यू रेडी This when the wife has had too much wine and insists on driving. ये अच्छा था इसीलिए मैंने इसको लिया है। ओए भाई सही जगह पे निशाना मारा। Survivor series already stacked. नहीं ये मुझे दोनों नहीं पता कौन। हाँ लेकिन ये वीडियो में मैं रखूँगा मैं कमेंट्स में देखना चाहता हूँ किस किस को पता है। ये मैंने सिर्फ इसीलिए रखा था मैं कमेंट्स का अपना देखना चाहता था मतलब क्या यहाँ पे मैंने समझदारी वाला काम किया ये बोल के मुझे नहीं पता हाँ, एक्चुअल में मुझे नहीं पता है हाँ हाँ सही किया और गाइस मैंने उसको बताया नहीं है पहले वो उसका ओरिजिनल रिएक्शन है ठीक है डेट अ गर्ल विद वारंट्स दैट वे शी कांट कॉल द पुलिस ऑन यू बाय हाँ भाई ये स्मार्ट तरीका तुम्हारा करने का वेलवेटिन ड्रीम बी लाइक आई एम वंस अगेन आस्किंग फॉर योर नंगी होंगी अबे यार वेलवेटिन ड्रीम किया तुमने बेइज्जती मार दी यार जब से तुमने वो किया भाई तुम्हें क्या पता वो बंदा वैसा है या नहीं वो क्यों उसके तो उसका मेरे को कभी केस नहीं समझ आया मतलब क्या उसका वो गिल्ट जो भी है वो प्रूफ हो गया या नहीं बिकॉज जहां तक मेरे को पता है नहीं हुआ सिर्फ एलिगेशन है हाँ तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ये तुमने महाभारत पर ही रची दी आगे की और अगर यह हो सकता है भाई कराओ भाई तभी तीसरी आंख खुली है ये क्या है गॉड सेंड मी ऑन अर्थ टू रेसल आई डोंट रिमेंबर सेंडिंग इट द ओनली वे टू एंड दिस वीडियो द गॉड हैज स्पोकन भाई खली के और मीम होने चाहिए थे यार खली का हाँ बहुत भाई मिले ही नहीं यार मतलब देख लो गाइस आपने रिक्वेस्ट अब देख लिया है तो आपको पता है कि क्या करना है अगले दो हफ्ते में
भाई ये हम रेसलिंग क्रिएटर होते हुए हमने खली के बारे में हम लोगों ने ज्यादा बात नहीं करी है। हाँ। और सोचो जो रेसलिंग के बारे में बात नहीं करते उन्होंने खली का पूरा कर दिया है काम कर दिया है। अरे नहीं कौन सा ये वाला जो मीम बनाया है ना ये वाला नहीं मैं वैसे इन जनरल बोल रहा हूँ। अच्छा। खली के नाम से कितनी सारी चीजें चिपका देते हैं लोग मीम में बहुत। मैं तो सिर्फ रिकॉर्ड करने आया हूँ मीम देखने आया हूँ। ये हुई ना बात। He is basically here to grow my channel. नहीं वैसे वीडियो बनने से पहले तो डिसाइड नहीं था किसके चैनल पे आनी है। हाँ ये भी बात है। फिर उसने मेरा देखा कि क्वालिटी उसने कहा नहीं ये तेरे पे आएगी भाई वो तो जैसी जिसकी सोच नहीं ऐसी वीडियो होती है तो मैं इसको ऐसे ही डालता हूँ मतलब इसी तरीके से होती है क्यों अगली बार करेंगे ना तब पता चल जाएगा। नहीं ये मजाक था बेसिकली सीरियसनेस में ये था कि थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टीज ज्यादा आ रही थी तो मैंने कहा ठीक है अभी कर लेते हैं बाद में उधर भी आएगी इधर भी आएगी वो देखते हैं वो तब होगा जब आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी और वो पता कैसे चलेगा जब लाइक्स आएंगे। लाइक आएंगे तो भैया अगर आप मेरे चैनल से देख रहे हो ऑब्वियसली मैंने बताया होगा तो भैया यहाँ तक देख रहे हो उसका मतलब आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो भाई आपने लाइक नहीं किया तो फिर तो कौन ही करेगा यार लाइक तो कर दो इसको लाइक। बाकी चेतन भाई वीडियोस तो मैंने देख लिया अब तुम्हारी बहुत रेगुलर आ रही हैं भैया यहाँ पे भी जरा वो जो लाल बटन है ना उसको अब क्या होता है वो लाल से ग्रे होता है ना सब्सक्राइब हाँ वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना भी जरूरी है। बाकी नेक्स्ट हमें पता कैसे चलेगा कोई लाइक का टारगेट तो दो ऑडियंस को तभी तो मजा आएगा। नहीं लाइक का अगर हमने टारगेट दे दिया तो फिर अगर वो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हम तो जिद्दी हैं हमें तो अगली वीडियो बनानी है। अरे ऐसे मत बता मैं ये काट दूंगा मैं हाँ नहीं बनानी ना मैं वीडियो क्या नहीं बनानी हाँ ठीक है तो जब लाइक आएंगे तब बनानी है। हाँ ठीक है अब वो समझ जाओ वो तुम्हारी श्रद्धा है तुम्हारे इस पर कितने लाइक आते हैं। बाकी हाँ अगली वीडियो तो आएगी इसी क्वालिटी में चेतन रसल चैटर के चैनल पे भी और ओ चैलेंज कहीं पता चले अगले बार मैं DSLR ला के बैठ रोहित कहेगा शिट मैंने बोल दिया है पहले मेरे को इससे करना है। तो भाई देखो हमें तो काफी एंजॉय मजा आया ऐसे ऐसे मीम देख के बात करने में और अकेले से तो ज्यादा मेरे ख्याल से साथ में देखने बैठ रहे तो ये मजा आपको भी कंटिन्यू करना है हमारे साथ ऐसे देख के तो भैया लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। बाकी चेतन तरह जैसे भी वीडियो का आउटरो होता हो तुम कर दो और हमारी तरफ से तो नमस्ते बाय बाय हो जाएगी। जैसा कि तुमने सही कहा कि अकेले में उतना मजा नहीं है जितना साथ में ऑफ कोर्स आउटरो में क्या कुछ नहीं है बस 2000 लाइक से ज्यादा हो जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपका ऐसी वीडियोस और चाहिए। जरूरी है कि मीम रिव्यू होगी कुछ भी हो सकता है एनीथिंग जो हमारा दिमाग सनक जाए हमें आइडिया आ जाए जहां से हम चुरा लेंगे आइडिया तो वो हो सकता है ऑफ कोर्स। बढ़िया तो मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टाटा।